वैसे ये जिस साइड में घूम रहा हूँ, ये साइड है थोड़ी सी खूबसूरत, अच्छी खासी दुकानें भी हैं, अच्छा खासा रश भी है, चहल पहल भी है, खूबसूरत एरिया है जी ये वाला भी वैसे माशाल्लाह। अच्छा कुछ दुकानें काफ़ी जल्दी बंद हो चुकी हैं जी, ठीक है, असल में जो लोग घर में जल्दी जाने के आदि होते हैं बंद हो चुके हैं। मछली बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे फ्राई हो रही है जी, एक दो आपको मैं मछली वाले ठीक दिखाता हूँ, बड़ी खूबसूरत तरीके से फ्राई हो रही है, ये चेक करें, मछली बड़ी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर बना रहे हैं, आगे भी एक दो दिखाने की कोशिश करता हूँ, बड़े खूबसूरत अंदाज में बनी हुई है। कितने कितने देखते अंकल, कितने कितने केक है ये? अच्छा 25 कप, वैसे धक्के काफ़ी सस्ते मिल रहे हैं, इतने महंगे नहीं मिल रही है। खूबसूरत मोती वाले हार जी, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, बच्चा और इसके अबू मिल के ये हार तैयार कर रहे हैं। अंकल कितने के एक हार बेचते हैं ये? 10 रुपए का, वैसे काफ़ी सस्ता बेच रहे हैं जी, यही अगर आप शहरों में लेना तो आपकी तबीयत फ्रेश कर दें, उधर बड़े बड़े महंगे बिक रहे होते हैं, सस्ते बेच रहे हैं। ये जिस दोस्त की तरफ जाना है जी, उसके लिए यहाँ के कदीमी सौगात हलवा है वो मैंने परचेज़ किया, बाकी भी हैं ये, लेकिन ये वाला थोड़ा अच्छा लग रहा था, हलवा खाते हैं थोड़ा सा पैक करते हैं, ये भाई जान है जी, मैंने कहन से बात करते हैं, भाई जान कितना कर सोगे ये काम करते हो आपको यहाँ पे? ये भाई जान मुझे यहाँ पे 5-7 साल हो गए काम करते, ये बहुत पुरानी दुकान है जी जी, ये तकरीबन 1940 से ये हलवा शुरू होता है, अब्दुल्ला जान साहब ने शुरू किया था। अच्छा अच्छा, डेरे का सबसे मशहूर और कदीम सोना लगा है, डेरे के हिसाब से कदीम है, बाहर इसका नाम भी लिखा है, तो हाजी अब्दुल्ला जान की ये पुरानी सबसे दुकान है कदीम सोना हलवे वाली जी जी। आप परमानेंट इधर काम करते हैं यहाँ? वैसे आपकी अपनी जाती है? नहीं काम करता है। अच्छा जी, परमानेंट काम करते हैं, कोई मैसेज देना चाहें आप? वैसे ये है कि इंसान को जो है ना, जो चीज़ भी अगर बेचें तो उसको सच्चे दिल से और ईमानदारी से और खालिस चीज़ बेचें, ताकि आवाम को अच्छी चीज़ और खालिस चीज़ मिले। थैंक यू सो मच जी, बड़ा था बता सर उन्हें मैसेज दिया कि जो भी चीज़ सेल करनी है खालिस चीज़ सेल करें, उन्हें ईमानदारी से सेल करें। चलते हैं जी अब बाहर, असल में मुझे यहाँ पे पता चला है कि कोई भट्टी नाम का बंदा है, बड़ा खूबसूरत चीज़ें बनाता है, और वो बाहर चला गया, अब मैं खाने वाले को ढूंढ रहा हूँ कि यार वो कहीं पर मिले ना, असल में मैं ऐसे एरिए को जानता भी नहीं हूँ, लेकिन उसे ढूंढने चढ़ा हूँ, वो कहीं पर मिले तो उसे खाना खा के चेक करें, ढूंढते हैं जी देखो फिर मिलता है या नहीं मिलता। एक बहुत बड़ी रैली जा रही है जी, आप कौन सी पार्टी के ये छोड़ें, लेकिन आप रैली देखें बहुत बड़ी तादाद में, ये मैंने ढूंढ तो लिया है बट यार ये इधर खाली है, इधर है कोई नहीं, आप उसे ढूंढते हैं कहीं और पे। मैंने अभी किसी से वो दुकानदार का पूछा ना, उसने मुझे पछतम बताया, मैंने भी सारे ला के आगे चल दिया, ये दूसरी भी मैंने ढूंढ ली है लेकिन ये भी बंद है, दोनों बंद मिल देंगे, दुकानें तो दोनों जिस बंदे की मुझे पता चली है वो दोनों की दोनों बंद हैं, बाहर भी मैंने ढूंढी इधर भी ढूंढी, आप कहीं और बाहर चलता हूँ वहाँ से ढूंढता हूँ। आप डेरा के कदीमी बाज़ार की रौनकें देखें जी, दो बाज़ार हैं, एक इनका मेन बाज़ार है और एक ये बाज़ार भी है, ये तो खैर इसमें काफ़ी हद तक दुकानें कुछ बंद हो चुकी हैं कुछ खुली हैं, चहल पहल काफ़ी ज़्यादा है, लोग आ जा रहे हैं। अभी ढूंढते ढूंढते मैं आया हूँ यहाँ पे, तो इसको बोला था मैंने, अपने कबाब का भी ऑर्डर दिया, सीख का भी ऑर्डर दिया, रोटी का भी दी, बड़ा अच्छा भाई था जी, इसने आकर मुझसे ऑर्डर भी लिया, चीख कबाब काफ़ी हैवी बेच रहे हैं यार, काफ़ी तगड़े वाला रेट है, फिर मैंने कहा कि इतने इतने आप कर दें, तो साथ में इनको रोटी भी बोली, देखते हैं आते हैं खा के जायका चेक करते हैं जायका कैसा है, तो अगर बंदा बाहर घूम रहा तो टाइम का नहीं पता चलता, अभी 9:30 हो गया, टाइम का पता भी नहीं चला कि इतनी जल्दी टाइम चला गया, चलिए फिर खाने का वेट करते हैं।